सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की इस वीडियो सीरीज में आज हम इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में सर्वर 2025 को। सर्वर 2025 को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रिएट करनी होगी वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के स्टेप वही हैं जो आपने सर्वर 2022 में फॉलो किए थे। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट ऑप्शन से यूज करके अपने सिस्टम में 2025 सर्वर को कर दूंगा इंस्टॉल। तो यहाँ पे जब आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है सर्वर 2025, तो आप इसे सर्वर 2022 ही रहने दीजिए। जो भी डीवीडी आप प्रोवाइड करेंगे वो सर्वर आपका होगा इंस्टॉल। तो फिलहाल हम क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं नेम चेंज करूंगा SRV25, नेक्स्ट BIOS, नेक्स्ट RAM 2GB रहने देंगे, नेक्स्ट हार्ड डिस्क सेलेक्ट करते हैं SCSI, वर्चुअल डिस्क का साइज लेते हैं 500GB, सिंगल फाइल, नेक्स्ट पेन फिनिश, एडिट करेंगे वर्चुअल मशीन को और ऑप्शन में हम सेट कर लेते हैं पावर में बैटरी इंफॉर्मेशन को और हार्डवेयर में प्रोवाइड करेंगे सर्वर 2023 की डीवीडी। तो ब्राउज करके हम डीवीडी प्रोवाइड कर देते हैं, देन हम इसे करेंगे यहां से पावर ऑन, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो सर्वर 2025 का ये एक न्यू इंटरफेस है। तो स्टेप्स आपके रिमेन सेम है, जो भी आपने सर्वर 2022 में फॉलो किए थे वही स्टेप्स आपको 25 में फॉलो करने हैं। तो इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। कीबोर्ड यूएस रहेगा आपका, इस एग्रीमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सर्वर 2025 का एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, जो कि सर्वर 2025 का ग्राफिकल एडिशन। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है पार्टीशन, तो हम यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करेंगे 100GB का, अप्लाई, सिलेक्ट करेंगे डिस्क 0 पार्टीशन 2 और इसे हम यहाँ से कर देंगे कॉन्टिन्यू, देन इंस्टॉल। तो आपके सिस्टम में सर्वर 2025 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने पासवर्ड एंटर करने के लिए स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट ही यूजर नेम होगा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जब भी आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, जो कि इनबिल्ट अकाउंट है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करेंगे। ध्यान रखिएगा जो आप पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे उस पासवर्ड में आपके अल्फाबेट, न्यूमरल्स और स्पेशल करेक्टर होना जरूरी है, देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, क्योंकि आपने सर्वर को इंस्टॉल किया है वीएमवेयर वर्कस्टेशन में। अगर आप यहां पर प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तो वो आपका फिजिकल मशीन पे अप्लाई होगा। यहां पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे जो अभी हमने सेट किया था। तो आपके सामने ये विजार्ड ओपन हुआ, इसे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। तो सर्वर लॉगिन हो गया आपका इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर से। लॉगिन होने के बाद आपको इसे करना होगा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के लिए आप यहां पर इंस्टॉल करेंगे वीएमवेयर टूल्स। टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे वीएम टैब में, देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल वीएमवेयर टूल्स ऑप्शन पर। तो आपके सिस्टम में एक सीडी माउंट हो जाएगी डिफॉल्ट। तो ओपन कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोर को, देन आपको जाना है दिस पीसी ऑप्शन पर। ये सीडी माउंट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, इसको हम करते हैं डबल क्लिक। तो आपके सिस्टम में टूल्स इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे, कंप्लीट। ड्राइवर्स हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे। तो आपके सामने सर्वर को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूं नो। पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने सर्वर डैशबोर्ड को।
डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्वर मैनेजर का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, देन आपको जाना है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर ऑप्शन पर। सबसे पहले हम टर्न ऑफ करते हैं विंडोज फायरवॉल को, तो क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। डोमेन नेटवर्क की फायरवॉल को हम ऑफ कर देंगे, प्राइवेट नेटवर्क की फायरवॉल भी ऑफ करेंगे, पब्लिक नेटवर्क की फायरवॉल को भी हम ऑफ कर देंगे, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप करेंगे इनेबल, सिस्टम पर आपको असाइन करना है स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो इस पर हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो वर्जन 6 को करेंगे अनचेक, वर्जन 4, देन प्रॉपर्टीज, और यहां पे मैं आईपी एड्रेस एंटर करूंगा 10.2, और डीएनएस में भी हम एंटर करते हैं 10.2। ये ऑप्शन हमें डोमेन की इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो इसे हम तब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ आईपी एड्रेस, देन ओके, देन क्लोज, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ से टाइम जोन सेट कर लेते हैं इसका, टाइम इसका ओके है, 1 जनवरी डेट है, ओके। आईई इनहांस सिक्योरिटी को हम कर देंगे यहां से टर्न ऑफ, देन आपको करना है इसे रिफ्रेश। रिफ्रेश होने के बाद हम चेंज करेंगे इसका कंप्यूटर नेम, तो इसे चेंज कर लेते हैं। कंप्यूटर का मैं यहां पे नेम रखता हूं SRV 25, देन ओके, ओके, देन क्लोज, देन आपको इसे करना है रीस्टार्ट। लॉगिन कर लेते हैं सर्वर को। लॉगिन होने के बाद हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं पार्टीशंस, तो पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करेंगे विंडो एक्स, तो आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन पे, यहां पर 3 पार्टीशंस पहले से अवेलेबल हैं, हम फोर्थ पार्टीशन यहां पर क्रिएट करेंगे। साइज देता हूं इसे 200 GB, पार्टीशन क्रिएट हो गया। एक और पार्टीशन हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं, तो मेरे सिस्टम में क्रिएट हो चुके 2 पार्टीशन ई एंड एफ। अब हम चलेंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम सेट करेंगे पावर ऑप्शन, तो कैटेगरी ऑप्शन से हम सिलेक्ट करते हैं लार्ज आइकन्स, देन हम जाएंगे पावर ऑप्शंस में, और यहां से हम चेंज करेंगे प्लान सेटिंग, इसको मैं कर देता हूं नेवर, सेव चेंजेस। देन हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब हम क्रिएट करेंगे इसका स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को क्रिएट करने का बेनिफिट है कि अगर आप एक ही प्रैक्टिकल को 2 या 3 बार करके देखना चाहते हैं तो आप उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर में जब भी आप किसी रोल को इंस्टॉल करेंगे तो आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा उस रोल के साथ, लेकिन जब आप उस रोल से फिर से कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे तो आपको सर्वर को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। उस रीइंस्टॉल से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्नैपशॉट ऑप्शन का। स्नैपशॉट का यूज़ करके आप 1 या 2 सेकेंड में ही अपने सर्वर को रीस्टोर कर सकते हैं, तो आप इस स्नैपशॉट को रनिंग सिस्टम में भी क्रिएट कर सकते हैं और टर्न ऑफ के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको टर्न ऑफ करने के बाद उस स्नैपशॉट को क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए हम सर्वो कर देते हैं पावर ऑफ, कंटिन्यू। शटडाउन होने के बाद आपको जाना है वीएम टैब में,
देन स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, और यहाँ पर आप स्नैपशॉट का नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा फ्रेश। आज की डेट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, देन टेक स्नैपशॉट। जब भी आपको अपने स्नैपशॉट को रिस्टोर करना होगा, आपको फिर से जाना होगा वीएम टैब में, स्नैपशॉट, देन फ्रेश पे क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, तो आपका सर्वर उसी स्टेट पर वापस आ जाएगा जहां पर आपने इसका स्नैपशॉट क्रिएट किया होगा। सो फ्रेंड्स, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सिस्टम में सर्वर 2025 को इंस्टॉल कर सकते हैं।